ओके स्टूडेंट्स, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम न्यूक्लियस वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो न्यूक्लियस वाले पार्ट में ये कंटेंट्स हैं हमारे जो हमने कवर करने हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना डिटेल नहीं है ये, सो वी विल बी एबल टू कवर इट इजिली। न्यूक्लियस जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास। हम न्यूक्लियस सबसे पहले द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलिज्म मैं तुमसे अभी डिस्कस करूंगा इसमें। तो द न्यूक्लियस में व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, ऑलरेडी तुम्हें पता है न्यूक्लियस जो होता है वो यूकेरियोटिक सेल के अंदर कंट्रोल सेंटर होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो डीएनए रिक्वायर्ड है, जो जीन्स रिक्वायर्ड है वो उसमें मौजूद होती हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन है एमआरएनए बनाती हैं, और जब एमआरएनए बन के साइटोप्लाज्म में जाता है तो वहाँ पे वो एक्सप्रेस हो जाता है, और जीन एक्सप्रेशन की वजह से वो प्रोटीन फिर सिंथेसाइज हो जाती है। दिस इज हाउ आपका न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए से जीन्स को प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि तुम्हारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर एनवलप होता है, और न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो किस तरह से, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन, और डबल मेम्ब्रेन किस तरह से होता है, दिस इज योर न्यूक्लियर न्यूक्लियस इन दिस डायग्राम। यू कैन सी इसमें डबल एनवलप, इसमें न्यूक्लियर एनवलप है जो कि डबल मेम्ब्रेन है। तुम्हें अंदर एक क्लम्प नजर आ रहा होगा जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो स्प्रेड हुए नजर आ रहे हैं। सो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर एनवलप में दो मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर्स हैं, और उनके दरमियान की जो स्पेस है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जो वेरिएबल होती है साइज में। न्यूक्लियर कोर होते हैं दरमियान में, इन बिटवीन दीज आर ओपनिंग्स विद प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप, जो अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। इसके अलावा न्यूक्लियर लैमिना होता है जो होल्ड करता है, बाइंड करता है न्यूक्लियस के अंदर के कॉन्टेंट्स को। जो तुम्हारे पास क्रोमेटिन है वो भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। आउटर एनवलप जो होता है उसके अंदर राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, तो रफ ईआर ओरिजिनेट आउटर मेम्ब्रेन से ही होता है न्यूक्लियर एनवलप के। और जो तुम्हारे पास नया नया रफ ईआर बनता है वो सबका सब आउटर एनवलप से ही बन रहा होता है। न्यूक्लियर पोर क्या होता है, न्यूक्लियर पोर एक्चुअली न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, एनपीसी बोलते हैं इसको। इस पोर में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एनलस बोल रहे होते हैं, और एनलस क्या है बेसिकली, इसके अंदर एक साइटोप्लाज्मिक सरफेस के अंदर इसकी ओपनिंग होती है, और दूसरी ओपनिंग इसकी न्यूक्लियस के अंदर होती है। और ये जो एनलस है इसके फायदा क्या होता है कि ये आपके पास अराउंड एक बहुत स्मॉल रीजन की ओपनिंग है जो कि अलाउ करेगा किसी भी स्ट्रक्चर को मूव होने के लिए जो उससे साइज में छोटा हो। तो मॉलिक्यूल्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9 नैनोमीटर वाइड होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से पास हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स 5,000 ऑफ फ्यूअर डाल्टन जो होते हैं वो न्यूक्लियर एनवलप को जल्दी क्रॉस कर सकते हैं, बट 60,000 डाल्टन और मोर जो होते हैं वो ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जो एनलस की ओपनिंग है न्यूक्लियर पोर में वो 9 नैनोमीटर की होती है, इससे वाइड नहीं होती। एनलस किस तरह का होता है ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एनलस का, डायग्राम बी देखो कि साइटोप्लाज्म के अंदर देखो जो न्यूक्लियर एनवलप है उसमें राइबोसोम्स लगे हुए हैं, जो ब्लैक डॉट्स हैं ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स हैं, जो न्यूक्लियर एनवलप के बाहर वाले स्ट्रक्चर से लगे हुए हैं जिससे रफ ईआर ओरिजिनेट करेगा। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर एनवलप की मेम्ब्रेन है वो तुम्हें नजर आ रही है कि उसमें कोई राइबोसोम अटैच नहीं है। दोनों रीजन जो तुम्हें दो पार्ट के बीच में यहाँ न्यूक्लियर एनवलप के नजर आ रहा है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है इनके दरमियान में जो व्हाइट रीजन है, और ये जो एरो बना हुआ है ये तुम्हें एनएलएस का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। एनएलएस वो ओपनिंग है जो कि साइटोप्लाज्मिक सरफेस और न्यूक्लियस के सरफेस पे 70 to 80 नैनोमीटर डायमीटर की होती है, मगर दरमियान से कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, सिर्फ 9 नैनोमीटर का साइज होता है उसके दरमियान में। तो ओपनिंग तो 70 to 80 नैनोमीटर की है मगर दरमियान में साइज 9 नैनोमीटर है, विच मीन्स के 9 नैनोमीटर से छोटी चीज ही पास होगी, 9 नैनोमीटर से बड़ी चीज के अंदर से क्रॉस नहीं हो सकती। एनलस जो होता है ना वो अबाउट 8 प्रोटीन से बना हुआ होता है जो कि अरेंज होती है रेडियली, और एनलस बनाते हैं फिर। ये तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है आउट एनलस का स्ट्रक्चर, हाउ एनलस इज बेसिकली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर एनवलप एंड वाई इट इज कंस्ट्रक्टेड इन द सेंटर, बिकॉज वहां से 9 नैनोमीटर का डायमीटर है जिसमें इधर से सिर्फ छोटे ही स्ट्रक्चर्स पास होंगे, बड़ा स्ट्रक्चर वहां से क्रॉस नहीं हो सकता। अच्छा, तुम्हारे पास न्यूक्लियस में न्यूक्लियर लेमिना भी होता है जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखता है। न्यूक्लियर का फंक्शन डायनेमिक है, तुम जानते हो किस तरह से वो माइटोसिस के दौरान अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। न्यूक्लियोलस पे आ जाओ, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस बेसिकली एक क्लम्प होता है, क्लस्टर होता है विद डिफरेंट क्रोमोसोम्स के पार्ट्स का, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंट रीजन या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम, NOR। ये NOR कौन से है, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 आर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम्स। इनके कुछ कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर क्लस्टर बना लेते हैं तो वो न्यूक्लियोलस बन जाता है।
तो न्यूक्लियोलस होता है तुम्हारा। नॉर्मली जब तुम मेटाफेज के अंदर अगर क्रोमोसोम्स को देखो तो क्रोमोसोम इस तरह से स्प्रेड आउट हुए हुए होते हैं जैसे तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में, बट तुम उनको अरेंज कर सकते हो कैरियोटाइप में। ये जो तुम्हें डायग्राम नजर आ रहा है ए दिस इज अ कैरियोटाइप, KARYOTYPE कैरियोटाइप। कैरियोटाइप में क्या करते हो तुम अरेंज करते हो क्रोमोसोम्स को इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज, सबसे पहले सबसे बड़ा क्रोमोसोम, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यू अरेंज द क्रोमोसोम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज एंड लास्टली यू प्लेस द सेक्स क्रोमोसोम। तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये तुम्हें कैरियोटाइप में 23 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। इस क्रोमोसोम्स में क्या है, हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट्रोमेयर एंड देयर शेप्स। तो क्रोमोसोम कौन कौन से क्लासिफिकेशन किस तरह है, ग्रुप ए होता है क्रोमोसोम का जिसमें 1, 2, 3 क्रोमोसोम आता है, ग्रुप बी है जिसमें 4, 5 आता है, ग्रुप सी है जिसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आते हैं, ग्रुप डी में 13, 14, 15 आते हैं, ई में 16, 17, 18, एफ में 19, 20 और जी में 21, 22। वाई और एक्स क्रोमोसोम जो है हमेशा उनको हम लास्ट में प्लेस करते हैं, अगर मेल होगा तो एक्स वाई क्रोमोसोम है, फीमेल है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, और ये तुम्हारे पास कैरियोटाइप आ जाता है। तुम देख सकते हो उसपे बैंड्स नजर आ रहे हैं, ये बैंड्स क्यों हैं, क्योंकि तुमने इनको स्टेन किया हुआ है जीएमसा स्टेन से। तो जीएमसा स्टेन आप यूज कर रहे होते हैं नॉर्मली स्टेन करने के लिए क्रोमोसोम को। अगर हम न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से रीजन हैं, उसके अंदर आपके पास न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम्स की सिंथेसिस, दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर कौन कौन से रीजन है, सबसे पहले ग्रैन्युलर रीजन होता है जो कि जिसमें अपियरेंस बहुत ग्रैन्युलर सी होती है, फिब्रिलर होती है उसकी अपियरेंस। दूसरा है फिब्रिलर जोन जिसमें फाइबर्स या फिब्रिल्स नजर आ रहे होते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि तुम्हें पता है राइबोसोम आरएनए से बनता है, आरएनए भी होता है उसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, तो वो यहाँ से बन रहे होते हैं। और तीसरा कॉम्पोनेंट इसका है जोन ऑफ न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन जो कि 10 नैनोमीटर डायमीटर का होता है, इसमें क्रोमोसोम लूप्स होते हैं जो के आपके पास इसको होल्ड करें। और एक चौथा पार्ट है इसका न्यूक्लियोलर मैट्रिक्स। तो टोटल 4 मेन पार्ट्स हैं जो आपके पास स्ट्रक्चर हैं किस चीज के, जो तुम्हारे पास न्यूक्लियोलस के कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, प्रोटीन्स तुम्हें पता है किस तरह से सेल में सिंथेसाइज हो रही होती है, किस तरह से बन रही होती है, डीएनए एमआरएनए की ट्रांसलेट बनाता है, एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड के लिए ट्रांसलेट हो जाती है राइबोसोम पे जाके। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म हमारा सेकंड चैप्टर है, तुम्हें पता है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के अंदर आ जाओ। न्यूक्लियोटाइड कभी भी न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड कौन होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस होती है, एक पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर इज अ मोनोसेक्राइड शुगर जिसमें 5 कार्बन होते हैं, और एक उसके अंदर होगा फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 मेन चीजें हैं, क्या चीजें हैं, सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस है और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक पेंटोज शुगर होगी, तो दिस इज नोन एज अ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस या तो एडिनिन गोनिन हो सकती हैं, एडिनिन गोनिन जो दोनों बेसिस हैं फिगर 29.1 देखो, दोनों बेसिस के अंदर डबल रिंग है, डबल रिंग वाली बेस होती है तो या तो वो एडिनिन होगी या गोनिन होगी, इनके स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद होने चाहिए। अच्छा, अगर तुम बात करते हो सिंगल रिंग बेसिस की तो वो पायरिमिडीन होती हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरैसिल। याद इस तरह रखो कि प्यूरीन नाम छोटा है, प्यूरीन तो प्यूरीन नाम छोटा है बट इसके रिंग बड़ा होता है, तो प्यूरीन बेसिस 2 हैं एडिनिन गोनिन, तो प्यूरीन नाम छोटा बट इसके जो रिंग्स होते हैं वो डबल होते हैं तो दे आर लार्जर इन साइज। पायरिमिडीन नाम बड़ा है बट इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसकी जो नाइट्रोजनस बेस है वो होती छोटी है, सिंगल रिंग होती है। प्यूरीन बेसिस कौन सी है, एडिनिन गोनिन, पायरिमिडीन बेसिस कौन सी है, थायमिन, साइटोसिन और यूरैसिल। इन सबके स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद होने चाहिए। और डीएनए के अंदर तुम्हें पता है थायमिन होता है और आरएनए में यूरैसिल होता है, ये तुम लोग लोअर क्लास से याद करके आते हो। पेंटोज शुगर का भी तुम्हें फर्क पता है, पेंटोज शुगर के अंदर भी यू नो के आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है उसमें राइबोज और डीऑक्सी राइबोज की शुगर का फर्क होता है, सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है या तो वो OH होगा या H होगा, अगर OH होगा तो इसका मतलब है वो आपके पास राइबोज शुगर है, और सेकंड कार्बन पे अगर H है तो इसका मतलब इट इज अ राइबोज शुगर, सॉरी डीऑक्सीराइबोज शुगर। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड वो स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप अटैच ना हुआ हो, अगर नाइट्रोजनस बेस से तुम अटैच कर दो अपने शुगर को, पेंटोज शुगर को, तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, और जब उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, द डिफरेंस इज जस्ट इन द फॉस्फेट ग्रुप। ये तुम्हें आरएनए डीएनए की वो बेसिस बताई हुई है राइबोज डीऑक्सीराइबोज के साथ इस तरह से और किस तरह से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट में बताया क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स में बातें हमें क्या याद रखें, एक्चुअली क्रोमेटिन आपके पास वो होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स क्रोमेटिन होते हैं,
और क्रोमेटिन जब कंडेंस होना शुरू होता है तो क्रोमेटिड बना लेता है। क्रोमेटिड का मतलब है एक क्रोमेटिड एक डीएनए मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है। तो क्योंकि हमारे पास डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 क्रोमेटिड्स होते हैं, तो हमारे पास 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जितने क्रोमेटिड होंगे उतने ही डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, हर क्रोमेटिड के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमेटिड इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंडेंस नहीं होता, जब वो कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमेटिड बना लेगा। कंडेंस कब होता है, जब वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड वाइंड हो जाता है। अच्छा, और यही क्रोमेटिड कभी जब डीएनए रेप्लिकेशन हो चुकी होती है तो यही क्रोमेटिड अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच हो जाता है और तुम्हें वो टिपिकल क्रोमोसोम नजर आना शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर चार लिम्ब्स नजर आ रहे होते हैं तुम्हें। तो एनी हाउ कैरियोटाइप वाली बात मैं तुम्हें समझा चुका। तो क्रोमोसोम्स कब बनते हैं, क्रोमोसोम जब बनते हैं जब सेल ने डिवाइड होना होता है। तो ये तुम्हें यहाँ क्रोमेटिन फाइबर नजर आ रहे हैं और ये तुम्हें क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स हैं इस वक्त। 46 क्रोमोसोम्स का मतलब इन 46 क्रोमोसोम में तुम्हें देख लो किस तरह से स्प्रेड हुए हैं। क्रोमोसोम एग्जिस्ट कर सकता है एज अ सिंगल क्रोमेटिड या दो क्रोमेटिड अटैच हुए हुए सेंट्रोमियर के ऊपर। अच्छा, कैरियोटाइप के अंदर तुम क्या करते हो, तुम कैरियोटाइप के अंदर इसी तरह मैं तुम्हें बात की बात भी समझाई कि कैरियोटाइप में तुम क्या करो। ये तुम्हें कैरियोटाइपिंग का एक वो दिया हुआ है कि किस तरह से कैरियोटाइपिंग करनी है। तुम सेल्स को इंक्यूबेट करते हो, उसके बाद उनके अंदर कोल्किसिन एक मेडिसिन होती है वो ऐड कर देते हो, तो मेटाफेज पे आके सेल डिवीजन रुक जाता है, आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। उसके बाद तुम उसको ट्रांसफर करते हो, सेंट्रीफ्यूज करते हो, कल्चर करते हो, उसमें एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन डालते हो ताकि सोल्यूशन सेल्स स्वेल हो जाएं। उसके बाद तुम उसको उसमें स्टेन ऐड करते हो स्लाइड पे और तुम्हारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्प्रेड हुए हुए तुम्हें नज़र आते हैं। जब स्प्रेड हुए हुए नज़र आते हैं क्रोमोसोम, तो फिर तुम उसकी एक तस्वीर ले लेते हो, फोटोग्राफ खींच लेते हो, और उस फोटोग्राफ को खींचने के बाद सारे क्रोमोसोम्स को क्रॉप करते हो और क्रॉप करके एक सेपरेट शीट के ऊपर प्लेस करते हो, पेस्ट करते हो और अरेंज करते हो उनको इन दी ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज एंड शेप। सबसे बड़ा क्रोमोसोम सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस टेक्निक को हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं ए से लेकर जी तक के ग्रुप्स में और लास्ट में हम प्लेस करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मेटासेंट्रिक हो सकते हैं जिनमें मीडियल सेंट्रल रीजन में सेंट्रोमियर होता है, इक्वल साइज के लिम्स होते हैं। सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्लोजर टू वन एंड होता है, एक्रोसेंट्रिक के अंदर और एक छोटा लिम्ब होता है और एक बड़ा लिम्ब होता है। टीलोसेंट्रिक के अंदर आपके पास छोटा लिम्ब नहीं होता, मेनली बड़ा ही लिम्ब रह जाता है खाली, और बिल्कुल टेलोमेयर्स के एंड पे उसके पास स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर का। ये तुम्हें कैरियोटाइप से पहले की तस्वीर दी हुई है और तुम इनमें देख सकते हो किस तरह से क्रोमोसोम जो हैं वो स्प्रेड हुए हैं, और जब तुम उनको अरेंज कर लेते हो ये तुम इस तरह कर सकते हो। और ये तुम्हें याद रहनी है बातें कि आके कौन कौन से क्रोमोसोम किस किस तरह से हैं। ग्रुप ए में तुमने सारे मेटासेंट्रिक डाले हुए हैं, ग्रुप बी जो है वो सब मेटासेंट्रिक है, ग्रुप सी भी सब मेटासेंट्रिक है, ग्रुप डी जो है वो एक्रोसेंट्रिक होता है, ग्रुप ई अगेन सब मेटासेंट्रिक होता है, एफ भी सब मेटासेंट्रिक होता है, और जी जो होता है वो एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक होता है। अच्छा, ये बात तुम्हें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जो क्रोमोसोम एक्स और वाई है, क्रोमोसोम एक्स इज अ सी टाइप सब मेटासेंट्रिक एंड क्रोमोसोम वाई इज अ जी टाइप एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये इनके शेप्स के साथ इनकी मॉर्फोलॉजी है। और नॉर्मली हम क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम्स को करते हैं स्टेन जीएमसा स्टेन से, तो उसमें जी बैंडिंग बन जाती है, या हम क्विनोक्राइन स्टेन से स्टेन करते हैं तो फिर उसको हम क्यू बैंडिंग बोलते हैं। तो दो तरह से हम इसको स्टेन कर सकते हैं। तो जब हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो हमें वो स्टेन हुए नजर आते हैं। एक तीसरी तरह की स्टेनिंग होती है जिसे हम कहते हैं सी बैंडिंग, जिसमें हम डिफरेंट स्टेन ऐड करते हैं तो वो सी स्टेन बन जाते हैं, सी बैंडिंग हो जाती है। तो तीनों में क्या होते हैं आपके पास, ये तीन तरह के वेज हैं जिसमें आप क्रोमोसोम को देख सकते हो। अगेन ये तुम्हें क्रोमोसोम्स उनके ग्रुप वाइज तुम्हें शो किए हुए हैं किस ग्रुप में कौन सा क्रोमोसोम लाइक कर रहा है। जीनोम में तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जीनोम के अंदर क्रोमोसोम पैक कैसे हुआ होता है। क्रोमोसोम पैक हुआ होता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स हुआ हुआ होता है। और हिस्टोन प्रोटीन किस तरह से होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन आपके पास इस तरह से होते हैं कि 200 बेस पेयर्स डुप्लेक्स डीएनए 5 काइंड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप हुआ हुआ होता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच हिस्टोन होते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। H2A, H2B, H3 एंड H4 के दो दो मॉलिक्यूल्स होंगे एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H1 हिस्टोन होगा जिसको हम लिंकर हिस्टोन बोलते हैं। तो यहाँ डायग्राम में तुम देखो तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है या ऑक्टामर नजर आ रहा है, इसके अंदर तुम्हें ये H2A भी होगा, H2B भी होगा, H3 भी होगा, H4 होगा,
इस ऑक्टामर के अंदर सबके दो दो हिस्टोन्स होंगे, और ये जो एच वन है, एच वन हिस्टोन लिंकर हिस्टोन है। तुम देखो क्या हो रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो हर ऑक्टामर पे दो बार वाइंड हुआ हुआ है, और फिर एक लिंकर हिस्टोन से गुजर के अगले न्यूक्लियर प्रोटीन उस पे हिस्टोन पे जाता है, और इस तरह से वो आगे रैप होता जाता है। दिस इज हाउ द क्रोमोसोम इज रैप्ड इन योर सॉरी द डीएनए इज रैप्ड इन द क्रोमोसोम। ये बात है तुम्हारे पास जो तुम्हें याद रहनी चाहिए। और इससे क्या होता है, एक बड़े रीजन में तुम डीएनए को एक छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर पैक करने में कामयाब हो जाते हो, पैकेजिंग डीएनए की आसान हो जाती है। ये तुम्हें पता है, ये डीएनए जिस तरह से जब तुम माइटोसिस में देखते हो कि क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, क्यों सेपरेट होते हैं, बिकॉज जो सेंट्रोमियर होता है उसके ऊपर प्रोटीन होती है काइनेटिक कोर, काइनेटिक कोर जो होती है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाती है और वो उसको उसके पोल्स की तरफ पुल कर लेता है। सो दिस इज इट रिगार्डिंग दीज फर्स्ट टू चैप्टर्स। और अच्छा नहीं, यहाँ पे हाँ टेलोमेयर्स भी रहता है। टेलोमेयर्स और माइटोटिक क्रोमोसोम में टेलोमेयर्स क्या होते हैं, टेलोमेयर्स कैप्स होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, और क्रोमोसोम में जो कैप्स इस तरह से होते हैं वो टीलोमरेज एंजाइम से बनते हैं। ये टी और जी रिच एंड्स होते हैं टीलोमेयर्स, और टीलोमेयर्स जो होते हैं वो टीलोमरेज एंजाइम से बनते हैं, कैप्स की फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम के एंड्स को पे प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से मार्कर का कैप होता है, दोनों एंड्स पे कैप होता है मार्कर का, एक बड़ा और एक छोटा, इस तरह क्रोमोसोम में दोनों सिरों पे कैप होता है जिसको आप टीलोमर बोलते हो, जो जी और सी में रिच होता है। अच्छा, सेंट्रोमेयर जो होते हैं उसके अंदर अल्फा सेटेलाइट डीएनए होता है। अल्फा सेटेलाइट डीएनए क्या है, 170 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लॉन्ग रीजन होता है, इसके अंदर कोई जीन्स नहीं होती, सेंट्रोमेयर लैक जीन्स। ये वाली बात मैं तुम्हें समझानी है यहाँ पे। जाइंट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जाइंट क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं कहाँ पे, पॉलीकीन क्रोमोसोम्स बोलते हैं हम जाइंट क्रोमोसोम्स को। ये हमें कहाँ मिलते हैं, डॉर्सोफिला में, जब ये नोवो होना शुरू हुआ था, रिसर्च होनी शुरू हुई थी, तो पफ्ड आउट रीजन नजर आए हमें डॉर्सोफिला में। ये जाइंट पॉलीकीन क्रोमोसोम है, जो फिगर तुम्हें 10.7 में नजर आ रहा है, पॉलीकीन क्रोमोसोम बोलते हैं। सिर्फ पॉलीकीन क्रोमोसोम क्या है, ये जो तुम्हें पफ बने हुए नजर आ रहे हैं ना, जहाँ जहाँ स्वेलिंग्स हुई हुई हैं, ये वो रीजन है क्रोमोसोम का जहाँ पे बहुत सारी एमआरएनए जो है वो बन रहे हैं बराबर, तो उसकी वजह से तुम्हारे पास डीएनए में स्वेलिंग्स हो गई हैं। सो एनी हाउ, ये पॉलीथीन या जाइंट क्रोमोसोम जो थे, इनसे रिसर्च में हेल्प मिली कि आपके पास डीएनए में आपको पहचानने में आसानी हुई कि डीएनए किस तरह से आपके पास काम कर रहा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम में हाईली रिपीटेड सीक्वेंसेज होते हैं डीएनए के। इन डीएनए सीक्वेंसेस में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो रीजन भी आ जाता है, जो हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस होते हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं बार बार, और वो टेंडम में रिपीट करते हैं, सीक्वेंस होता है एक पर्टिकुलर जिसमें रिपीट कर रहे होते हैं, और ये हमारे जेनेटिक फिंगरप्रिंट बन जाते हैं। फिर सेटेलाइट डीएनए क्या होते हैं, जैसे मैं तुम्हें सेटेलाइट डीएनए 5 to 100 पेयर्स का होता है सेटेलाइट डीएनए। सेटेलाइट डीएनए के अंदर दो सेटेलाइट डीएनए, मिनी सेटेलाइट एंड माइक्रो सेटेलाइट। मिनी सेटेलाइट 15 बेस पेयर का होता है, माइक्रो सेटेलाइट 2 to 5 बेस पेयर लॉन्ग होता है, ठीक है जी। सो मिनी एंड माइक्रो में ये फर्क है, तुम्हें पता है माइक्रो जो होगा वो और छोटा होगा, मिनी उससे थोड़ा बड़ा होगा।